फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आप आपके फोटो से बोलने वाला वीडियो बनवा सकते हैं? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने फोटो से कैसे बोलने वाला वीडियो बना सकते हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा टेक टीम में आपका स्वागत है। तो चलिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है, गूगल प्ले स्टोर में। उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है स्पीक पिक, SPEAKPIC, स्पीक पिक। उसके बाद सर्च करते ही आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा, तो इसको जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ, इसलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। और ओपन करते ही आपके सामने जो है एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, जिस फ़ोटो को आप बुलवाना चाहते हो और क्या बुलवाना चाहते हो, यहाँ पर आपको टाइप करना है। जैसे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ कि दोस्त आप कैसे हो, ये मैंने टाइप कर लिया। और यहाँ पे जो प्ले बटन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके सुन सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको रहने देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कैसे फ़ोटो ऐड करना है। ये देखिए, यहाँ पे ऐड फेस, यहाँ पे आप क्लिक करके फ़ोटो ऐड कर सकते हो, जो भी फ़ोटो से आप बुलवाना चाहते हो। और यहाँ पर ये देखिए सेलेक्ट द वॉइस, यहाँ पर जो है आप वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ का लैंग्वेज आपको रखना है। और उसके बाद जो है ये देखिए इफ़ेक्ट, यहाँ पे आप कैसे बुलवाना चाहते हो। जैसे यहाँ पे देखिए तरह तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये अगर रोबोट सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो रोबोट जैसा बोलेगा। तो मैं इसको रहने देता हूँ, वो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, मैं पहले से ट्राई कर रखा हूँ। तो ये नो इफ़ेक्ट, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। आप चाहे तो आप कोई सा भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। तो अब आते हैं ये ऐड फेस, यहाँ पर हम फेस चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे गैलरी में जाना है आपको, और गैलरी में जाते ही आपका गैलरी खुल जाएगा और वहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, मैं ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये देखिए, तो ये देखिए आप कैसा बोलेगा, आप सुन लीजिए। देखिए प्ले का बटन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जस्ट आप कैसे हो, जस्ट आप कैसे हो, जस्ट आप कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया किस तरह ये बोल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है कि वो पूरी तरह अच्छे से हिंदी बोल सके। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए इंग्लिश बोल रहा है, मतलब इंग्लिश में हमने लिखा है इसलिए ये थोड़ा बहुत ऐसे बोल रहा है हिंदी। अगर ये हिंदी का ऑप्शन होता तो क्लियर हिंदी बोल देता ये। तो इसको आप कैसे सेव कर सकते हैं, ये देखिए नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही ये सेव हो रहा है, ये देखिए 100% हो गया, ये सेव हो गया। अब हम बैक आ जाते हैं और चलते हैं MX प्लेयर में। MX प्लेयर में जाने के बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया किस तरह ये बोलता है कि जब वीडियो आप बनाएंगे, फोटो से बोलने वाला वीडियो बनाएंगे, तो इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक जरूरी बात कहना चाहूँगा कि जब हम कोई वीडियो बनाते हैं और उसमें जो भी एप्लीकेशन के बारे में हम बताते हैं, तो वो एप्लीकेशन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलता है। आप सर्च करते हो तो नहीं मिलता है, तो तब आप क्या करते हो, कमेंट में बहुत गलत शब्द यूज़ करते हो और गालियाँ देते हो, फेक वीडियो बताते हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं कभी फेक वीडियो नहीं बनाता। और रही एप्लीकेशन की बात, तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन क्या होता है, कभी कभी वो गूगल प्ले स्टोर वाले क्या है, उसको रिसर्च करते हैं, जो एप्लीकेशन के बारे में कोई गलत कुछ समझ में आता है उसको वो डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, आप लोग कोई गलत कमेंट ना करें और हमारी मजबूरी को समझिए। तो अभी जो आपने वीडियो देखा है, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।